आज हम करेंगे संस्कृत व्याकरण में धातु रूप। धातु रूप में हम करेंगे लकार। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन्हें और भी वीडियो मिलती रहे। धातु लकार यानी कि काल। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। काल को प्रकट करने के लिए धातुओं के 10 लकार माने गए, जिनमें से 5 लकार ही अधिक प्रचलित हैं, यानी कि अधिक फेमस हैं। और वो कौन कौन से हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। यानी कि पहला लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल। नंबर 4, लोट लकार आज्ञा, उपदेश, सलाह के लिए। नंबर 5, विधिलिंग लकार इच्छा, संभावना आदि के लिए। लकार के 3 रूप हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले हम करेंगे लट लकार। लट लकार हम कौन सा करेंगे? खाद यानी के भोजन, खाना। धातु प्रथम पुरुष यानी के इसमें 3 हमने बताए थे, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पहला खादती, खादतः, खादन्ति। खादसी, खादतः, खादत्। खादामी, खादावह, खादामह। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 होते हैं। लंग लकार यानी के भूतकाल, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? जब भी हम लंग लकार करते हैं तो उसमें अ आ जाता है आगे। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। तो ये था हमारा लंग लकार यानी के भूतकाल, बीता हुआ समय। लिट लकार भविष्यत्काल यानी के आने वाला समय। प्रथम पुरुष खादिश यति, इसमें श यति हमने ऐड क्या कर दिया? श यति। तो खादिश यति, खादिश यत है, खादिश यंति, खादिश यसी, खादिश यत है, खादिश यत, खादिश यामी, खादिश यावह, खादिश यामह। ये हमारा था लिट लकार। अब है हमारा लोट लकार यानी के आज्ञा आदि के लिए, आज्ञार्थक। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष खादतु, खादताम, खादन्तु। मध्यम पुरुष खाद, खादतम, खादत्। उत्तम पुरुष खादानी, खादा, खादाम। तो ये हमारा क्या था? लोट लकार। उसके बाद आता है हमारा विधिलिंग लकार यानी कि विधि। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नंबर 1, खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेहे, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेन। हम इसी तरह से कोई और भी लेते हैं खाद की जगह, जैसे पट, गम, कुछ भी लेते हैं तो हमने उसको इसी टाइप से बनाना है। तो जब हम बनाएंगे हम देखेंगे कि हमें सभी लकार कितनी आसानी से आ गए हैं। तो हम इसको फिर से समझेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे ताकि हमें इसके मतलब का उत्तर समझ में आ जाए। धन्यवाद।